हे गाइस, कैसे हो सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ बोलफुल होगा अगर आप एक नए यूट्यूब क्रिएटर हो, क्योंकि गाइस नए क्रिएटर को यही प्रॉब्लम सेव होता है, भाई वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है। तो गाइस, व्यूज क्यों नहीं आ रहा है आपका वीडियो में? व्यूज क्यों नहीं आ रहा है? आप सही से मेहनत कर रहे हो, सही से सारा कुछ आप कंटेंट भी अपलोड कर रहे हो, या मान लो आप रेगुलर वीडियो भी अपलोड कर रहे हो, अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तब भी आपका वीडियो चल नहीं रहा है, वीडियो में बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहा है। किसी का मानो वीडियो में 10-15 व्यूज आ रहा है, किसी का 2-3 दिन हो गया, महीना हो गया, तब भी वीडियो में व्यूज देखो 0 है। तो ऐसा क्यों होता है गाइस? सभी का वीडियो में तो व्यूज आ रहा है, मेरा वीडियो में क्यों व्यूज नहीं आ रहा है, ये किस लिए होता है? ये सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी एक नए यूट्यूब क्रिएटर हो तो आप लोग को इस वीडियो को मिस नहीं करना है, मास्टली देखना है। अगर आप लोग का वीडियो में बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहा है, इससे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि सभी ऑडियंस को पता चलना चाहिए, भाई सभी नए नए क्रिएटर जो होता है वो लोग यही मुसीबत में होता है, जो भाई मेरा वीडियो में बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहा है। मैं जब चैनल क्रिएट किया था उसी टाइम में भी मेरा व्यूअर्स 0 था, 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन 3 दिन बीत गया है, तब भी देखो 0 है। तो मैं धीरे धीरे करके थोड़ा करके होने से भी मेरा वीडियो में व्यूज लाया, इंक्रीज किया व्यूज को। इस तरह मैं किया है, उसी तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग इसको ट्राई करके अपना वीडियो में अगर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे करके उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो कैसे क्या है इसके लिए, तो आप लोगों को वीडियो को मास्टली देखना है, वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। आप लोग अभी तक अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो मास्टली जाओ फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब हो गया? नहीं हुआ है भाई, मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, भाई वीडियो को देखते हो थोड़ा सा फिर भी मेरा वीडियो से जंप करके दूसरे वीडियो को चला जाते हो, भाई ऐसा नहीं करना है। आप लोग कोई भी एक कंटेंट को देख रहे हो तो उसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, तब जाके आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इसलिए गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि गाइस नए नए क्रिएटर जो होता है, आप बोलो हम बोलो, सभी नए नए क्रिएटर जितना होता है सभी का ही फर्स्ट में जो प्रॉब्लम, यही ज्यादातर प्रॉब्लम होता है, भाई वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है। भाई अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छे से एडिटिंग कर रहा हूँ, अच्छे से थंबनेल भी लगा रहा हूँ, अच्छे से टाइटल भी लगा रहा हूँ, अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी लगा रहा हूँ, अच्छे से सर्चिंग कीवर्ड भी डाल रहा हूँ, तब भी वीडियो चल नहीं रहा है। भाई वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतना सारा वीडियो बना चुका हूँ, सब में व्यूज देखो 0-0। इसलिए गाइस इस वीडियो को आप लोग को देखना है, कैसे आप लोगों का वीडियो में व्यूज ला सकते हो। अगर आपका 0 व्यूज है तो व्यूज आएगा, आपका व्यूज इंक्रीज नहीं हो रहा है तो कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोग को पहले भी मत दिया वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोगों को नॉलेज चाहिए वीडियो को कैसे इंक्रीज किया जाता है, व्यूज को कैसे इंक्रीज किया जाता है सीखना है, तो भाई आप लोगों को वीडियो को मास्टली देखना है। तो गाइस फर्स्ट में बता दूं, वीडियो हम लोगों का क्यों वायरल नहीं होता है? आब तो सारा कुछ मेहनत कर रहे हो, सारा कुछ आसमा चुके हो, तब भी वीडियो वायरल नहीं होता है। तो गाइस वीडियो हम लोगों का वायरल तब होगा जब वीडियो कोई देखेगा। आपका वीडियो अगर मैं देखूंगा तब मैं आपका वीडियो में एक व्यूअर्स होगा। तो इसीलिए वीडियो को कोई देखेगा तब ना वीडियो में व्यूअर्स इंक्रीज होगा। तो वीडियो को कब देखेगा भाई ऑडियंस? वीडियो को तब देखेगा जब ऑडियंस के पास आपका वीडियो पहुंचेगा। अगर आप ऑडियंस के पास में आपका वीडियो पहुंचेगा नहीं तो ऑडियंस कहां से देखेगा? ऑडियंस आपका वीडियो देखेगा नहीं तो आपका वीडियो में व्यूज कैसे आएगा, व्यूज कैसे इंक्रीज होगा, ये प्रॉब्लम होता है। गाइस हम लोग का वीडियो इसलिए वायरल नहीं होता है, इसलिए वीडियो में व्यूज नहीं आता है। हम लोग यही सोचता हूँ भाई, क्या टाइटल सही से डालना गलत हो गया, थंबनेल जो है टाइटल डालना गलत हो गया, या टैग्स डालना गलत हो गया, टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सारा डालना गलत हो गया, या कहां मिस्टेक कर दिया जिस वजह से मेरा वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है। तो गाइस सच है, ये हकीकत है, आप लोग विश्वास करो या ना करो, आपका वीडियो अगर किसी के पास में पहुंचेगा तब ना वीडियो में व्यूज आएगा। वीडियो किसी के पास में पहुंचेगा, वीडियो देखेगा, ऑडियंस के पास में वीडियो जाएगा, उस वीडियो को देखेगा तो वीडियो में व्यूज आएगा। आपका थंबनेल अगर कितना भी क्लिकेबल थंबनेल हो, अगर आपका वीडियो ऑडियंस पास में पहुंचेगा नहीं तो आपका भी ऑडियंस कैसे क्लिक करेगा? भाई आप खुद से क्लिक करवाओगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो गाइस ऑडियंस के पास में हम लोग का वीडियो क्यों नहीं पहुंचता है, ये मेन बात है, तो क्यों नहीं पहुंचता है? तो गाइस बता दूं, हम लोगों का वीडियो का जो इंप्रेशन होता है डाउन होता है। ऐसे में तो हम लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को क्रिएट करके अपलोड कर दिया, उसमें बिल्कुल भी व्यूज नहीं आया। भाई मेरा तो ऐसे में नया नया चैनल है, इसमें सब्सक्राइबर बिल्कुल 0 है, सारा कुछ 0 है। तो सब्सक्राइबर अगर रहता, जो भाई सब्सक्राइबर रहने से उसके पास में मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जाता। ऐसे में तो हम लोग का वीडियो स्टार्टिंग में चालू हुआ है तो सब 0 है, सब्सक्राइबर 0 है, व्यूअर्स 0 है। तो इसीलिए हम लोग का जो इम्प्रेशन होता है वो डाउन होता है, वीडियो का कोई इम्प्रेशन नहीं रहता है, चैनल का कोई इम्प्रेशन नहीं रहता है। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो काम करता है, वीडियो का अगर इम्प्रेशन अच्छा रहेगा तो यूट्यूब आपका वीडियो का जो इम्प्रेशन है वो 10
ऑडियंस का पास में भेजेगा। 10 ऑडियंस का पास जैसे ही आपका इंप्रेशन जाएगा तो 10 ऑडियंस में मान लो आपका 5 ऑडियंस आपका वीडियो को क्लिक किया तो 5 व्यूअर्स आपका इंक्रीज हुआ। तो 5 व्यूअर्स इंक्रीज होने से आपका जो इंप्रेशन है वो और भी थोड़ा हाई हो गया। तो उसका बाद में YouTube क्या करेगा, आपका इंप्रेशन जो है और भी 20 लोगों का पास में भेजेगा, 20 ऑडियंस का पास में भेजेगा। तो 20 में से 10 ऑडियंस देखेगा, ये तो कॉन्फर्म है। तो 10 ऑडियंस देखने से आपका क्या हुआ, और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ, 10 आपका व्यूअर्स इंक्रीज हुआ, उसके बदले में आपका इंप्रेशन जो है और भी बढ़ गया। तो उस वीडियो में व्यूज इंक्रीज होते रहेगा। तो ये तो मैं बता दिया आपको कैसे वायरल होगा। इसका बात गाइस मेन बात क्या आ जाता है, वीडियो तो वायरल कर लोगे आप, इंप्रेशन बढ़ा गए, लेकिन गाइस फर्स्ट टाइम मैं वीडियो क्रिएट किया, अपलोड कर दिया, 0 व्यूज है, तो उसमें मैं इंप्रेशन कैसे बढ़ाऊं। तो गाइस बता दूं, ये आप लोगों को सब हर टर्म ध्यान में रखना है। अगर आप नए क्रिएटर हो तो आपको इंप्रेशन बनाना पड़ेगा। इंप्रेशन बनाने के बाद यूट्यूब आपका इंप्रेशन और दूसरे ऑडियंस का पास में भेजेगा। कैसे आपको इंप्रेशन बनाना है, तो गाइस देखो आपका वीडियो जो है आप खुद से अपलोड करो, खुद से वीडियो को देखो किस तरह देखना है। देखो 4-5 ईमेल आईडी आप फेक ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, उसमें आपका चैनल को सब्सक्राइब ना करके सिर्फ आपका वीडियो अपलोड कर दियो। अपलोड कर देने के बाद आपका वीडियो आप उसी 4 ईमेल आईडी से देख सकते हो, नहीं तो कोई एक ईमेल आईडी से देख सकते हो। मतलब कितना बार देखना पड़ेगा, मिनिमम जो होगा आपको 10 से 20 बार आपको वीडियो को वॉच करना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आप सोच रहे हो वीडियो को सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके वॉच कर लेने से हो जाएगा, नहीं गाइस, आपका वीडियो जितना मिनट का है आपको बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करना है। 20 बार आप वॉच कर सकते हो वीडियो को, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा ऐसे में। अगर आप अलग अलग ईमेल आईडी से क्रिएट करके उसमें आप देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी उस वीडियो को देख सकते हो। तो उस वीडियो को अगर आप फुल वॉच करके 20 बार देखोगे तो उसमें आपका वीडियो का जो इंप्रेशन है बढ़ जाएगा। उसके बाद यूट्यूब आपका इंप्रेशन दूसरे ऑडियंस के पास में पहुंचाएगा, ये होता है इस तरह। वो एल्गोरिथम जो है यूट्यूब का इस तरह काम करता है, आप लोग नोटिस करना, फॉलो करना। यूट्यूब में हम लोग जब भी यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करके किसी का भी वीडियो देखता हूँ, मानो यूट्यूब एप्लीकेशन जो ब्राउज फीचर होता है उसमें तो हम लोगों का ढेर सारा वीडियो रहता है, मतलब अनलिमिटेड, उसका कोई खत्म नहीं है, एंड नहीं है। तो ऐसे में कोई ऑडियंस, आप बोलो मैं बोलो, यूट्यूब में जो फर्स्ट टाइम हम लोग को तो ऐसे तो सब्सक्राइब करके रखा हूँ, जिसका चैनल में वीडियो हर रोज देखता हूँ उसका चैनल में सब्सक्राइब करके रखा हूँ, उसका तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं वीडियो को देख लूंगा। लेकिन बहुत ऐसे भी ऑडियंस होता है जो अलग अलग कैटेगरी में वीडियोस देखता है, एंटरटेनमेंट देखता है, तो कितना स्वाइप अप करेगा, ज्यादा आगे तक नहीं जाता है। हम लोग का वीडियो मानो बहुत नीचे में आ रहा है, तो इतना नीचे में भाई कौन जाता है। इसीलिए आप लोगों को वीडियो को अपने से वॉच करना है, अपने से इंप्रेशन पहले बढ़ाना है, इंप्रेशन को इंक्रीज करना है, उसका बाद में यूट्यूब आपका इंप्रेशन को दूसरे ऑडियंस के पास में भेजेगा, चाहे ब्राउज फीचर के थ्रू या सजेस्टेड के थ्रू। उसी तरह आपका वीडियो का जो व्यूज होता है धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप भी इसी तरह करोगे, आपका वीडियो अगर आप अपलोड कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम हम लोगों का व्यूज ऐसे तो नहीं होता है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, खुद से उस वीडियो को 10 से 20 बार फुल वॉच करना है बिना स्किप किए, उसका बाद में हम लोगों का वीडियो का इंप्रेशन बढ़ जाएगा। अगर मेरा बात आप लोगों को झूठा लग रहा है, आप लोग खुद से ट्राई करना। अगर आप लोगों का वीडियो में ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल भी व्यूज नहीं हो रहा है, होना ही चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि भाई आप भी एक नए क्रिएटर हो, तो नए नए क्रिएटर को यही प्रॉब्लम ज्यादातर होता है। तो आप भी फॉलो करके देखना, इस ट्रिक को आजमा के देखना, आपका वीडियो में व्यूज इंक्रीज नजर आएगा। जैसे आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला है, एक्सपीरियंस मिला है, तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। आप लोग अभी तक यार मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो मास्ट ले जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो मास्ट कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे भाई, इसी तरह वीडियो आप लोग मिस कर जाओगे, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारा तरीका जो है आप मिस कर जाओगे। इसलिए भाई मैं हर बार बोलता हूँ, आप लोग जाओ प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, मास्टली प्लीज यार सब्सक्राइब करो। अभी तक नहीं मारे हो सब्सक्राइब करो, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके आपको जस्ट सिंपल काला करना है, बस उतना ही काम। तो गाइस चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना, तब तक ले टेक केयर।